हे गाइस सैलियर और दोस्तों मैं आप फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नई और एक्साइटिंग वीडियो लेके। और आज इस वीडियो का टॉपिक सुन के ना आप काफी खुश होने वाले हो, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ज्यादा खास दोस्त पिंपल्स के बारे में। पिंपल्स हर बंदे को होते हैं, मेरे को भी होते हैं, आपको भी होते हैं, और मैं इसको काफी कंट्रोल रखता हूं, और वो कैसे आपको कंट्रोल रखना है और कैसे आप इसको एक से दो दिन में सही कर सकते हो, मतलब आप पिंपल्स को अपने कैसे बैठा सकते हो, उस बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम कुछ पिंपल्स के ऐसे हैक्स देखने वाले हैं जिसको अगर आप करते हो तो इससे आपके जो पिंपल्स से काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा आपको, और एक से दो दिन के अंदर आपके जो पिंपल्स है ना वो पूरे खत्म हो जाएंगे। तो हम बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको जितनी भी टिप्स देने वाला हूँ ये सब आपको रात को अप्लाई करनी है, और यू नो कि रात को जो आप सोते हो उस टाइम पे आपकी जो स्किन है ना वो काफी रिलैक्स में होती है, और जो भी आप होम रेमेडी अप्लाई करते हो वो आपकी स्किन पर अच्छी तरह से इफेक्ट करता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपको इससे बचना कैसे है और आपकी जो मिस्टेक है वो क्या होती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट चीज आती है वो होती है कि अपने अपने पिंपल्स के साथ बहुत ज्यादा पंगे लेते हो। पंगे लेने से मतलब ये है कि जब भी आपके पिंपल्स होते हैं तो आप उसको पॉप कर देते हो, उसको मतलब ऐसे नाखून से तोड़ देते हो, फोड़ देते हो और जो भी मतलब कर देते हो, और जिससे क्या होता है कि आपके जो पिंपल्स के निशान है वो हमेशा के लिए रह जाते हैं और फिर वो परमानेंटली डार्क स्पॉट बन जाते हैं। तो ये आपको जो मिस्टेक है वो बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप ये करते हो तो इससे आपके जो पिंपल्स है ना वो दो तीन जगह और भी हो जाएंगे, और इससे आपके जो डार्क स्पॉट है ना वो भी परमानेंटली बन जाएंगे और फिर वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको उसको सही कैसे करना है। तो फर्स्ट चीज हमारे पास होती है वो होती है कोलगेट। अब यार ये जो टिप है ना सुन के तुरंत कोलगेट अप्लाई मत करने लग जाना, नहीं तो आपकी स्किन की ऐसी तैसी हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसे काफी सारे लोग बोलते हैं कि जब भी वो पिंपल्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो कुछ बंदे ऐसे बोलते हैं कि भाई आप कोलगेट लगा लो और रात को लगा के सो जाओ और इससे आपके जो पिंपल्स है ना वो काफी हद तक सही हो जाएंगे, और मतलब रातों रात आपके जो पिंपल्स है ना वो छू अंतर हो जाएंगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप कोलगेट लगाते हो तो ये बंद कर दो, और इससे आपकी जो स्किन है वो काफी डैमेज हो सकती है, और प्लस आपका जो कोलगेट होता है वो उसमें काफी हार्श केमिकल होते हैं जिससे आपके जो पिंपल्स है ना वो तो फूट जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, बट उसके जो परमानेंटली आगे वो रह जाएंगे और फिर आपको जो फेस है ना इससे काफी भद्दा काफी बेकार दिखेगा, और फिर आप पिंपल्स को छोड़ के आप ऐसे कमेंट करोगे भाई मतलब डार्क स्पॉट के ऊपर वीडियो बनाओ। तो आप ये जो चीज है वो बिल्कुल मत करो, और जितने भी फालतू बकचोदी के जो करते हैं कि कोलगेट लगाओ तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि आपको उसको सही कैसे करना है, इसका जो सही तरीका है ना वो क्या है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो चीज हमारे पास वो है एलोवेरा जेल। अब यार यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको कोई भी एलोवेरा जेल लेना, अगर आपके पास नेचुरली है तो काफी अच्छी बात है, या फिर अगर आप चाहते हो पतंजलि वगैरह का लेना तो वो भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करने की, जब भी आप सोने जाते हो उससे कम से कम 10-15 मिनट पहले आपको थोड़ा सा जो एलोवेरा जेल है वो आपको लेना है, और एलोवेरा जेल आपको अपने थोड़े से फिंगर टिप पे ले कि जहां पर भी आपको जो पिंपल्स है वहां पर इसको अप्लाई करना है, और मेक श्योर कि आपको वहां पर लेयर बनानी है, और जब वो लेयर बन जाए फिर वो अपने आप ही सूख जाएगा, और फिर आप उसके बाद नोटिस करोगे कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं अगर आप ये एलोवेरा लगाते हो तो, और 3-4 दिन में आपको जो पिंपल्स है पूरा खत्म हो जाएगा और आपको काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा, और यू नो आपके जो पिंपल्स है ना वो पूरे खत्म हो जाएंगे। तो जहां पर भी आपके पिंपल्स है हल्का हल्का आपको ऐसे अप्लाई करना है, और कुछ ही दिन में आपको जो सरप्राइज वो मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट चीज हमारे पास है वो है कि आप वो भी आपके घर में ही अप्लाई है, आपको इसके लिए कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें क्या करना है कि आपको चुटकी भर हल्दी लेनी है टर्मरिक, और मतलब ऐसे थोड़ी सी फिंगर टिप पे लेनी है, और फिर उसके बाद आपको सेकंड चीज जो लेनी है वो है हनी, और ये दोनों चीजें आपको लेनी है, और ये दोनों चीज को आपको उसमें मेल्ट करना है आपको, और जहां पर भी आपके पिंपल्स है वहां पर इसको आपको थोड़ा सा टैप करके थोड़ा सा दबा के जो दोनों चीज है वो अप्लाई करनी है, और इसकी भी जो लेयर है ना वो आपको अपनी स्किन पर बनानी है, और इसकी लेयर बना के छोड़ दो, फिर आप रात को सो सकते हो रजाई ओढ़ के, और फिर आप जब सुबह उठोगे तो आप नोटिस करोगे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, और कुछ ही दिन में आपको जो पिंपल्स है 1-2 दिन में आपको जो पिंपल्स है वो पूरे खत्म हो जाएंगे। जो हल्दी होती है वो नेचुरल एंटीबायोटिक होती है, इससे इन्फ्लेमेशन तो कम होती है, और साथ ही साथ इससे आपके पिंपल्स में अगर दर्द है तो वो भी खत्म होता है, और आपके जो पिंपल का साइज है वो भी कम हो जाता है। तो रात को सोने से पहले अगर आप ये अप्लाई करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो, काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर हमारे पास आती है थर्ड चीज, आप थर्ड चीज में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आपकी जो स्किन है वो ड्राई है तो आपको क्या करना है कि आपको मिल्क लेना है, और अगर आपकी जो स्किन है वो ऑयली है तो फिर आपको रोज वाटर लेना है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक जो कॉटन जो रुई होती है ना वो आपको लेना है, और फिर आपको क्या करना है कि अगर आपकी जो स्किन है वो ड्राई है तो आपको मिल्क लेना है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, आपकी स्किन टाइप जैसी भी है उसके हिसाब से आपको जो चीज है वो लेनी है। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो फिर आपको मिल्क लेना है, अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है तो फिर आपको रोज वाटर लेना है, और आपको अपनी कॉटन को डिप करना है इसके अंदर, और फिर आपको क्या करना है कि जहां पर भी आपकी पिंपल्स है वहां पर इसको अप्लाई करना है। अब यार यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर रोज वाटर को आप रात तक छोड़ सकते हो लगा के, लेकिन यहां पर जो मिल्क है इसको आपको बिल्कुल भी रात तक लगा के नहीं छोड़ना। अब यहां पर आपको क्या करना है कि जो मिल्क है वो आपको कम से कम 1 घंटे पहले लगाना है सोने से, और फिर आपको कम से कम 10-15 मिनट में उसको वॉश कर लेना है। मिल्क में मॉइस्चराइजर होता है जो कि आपकी स्किन के लिए काफी सही होता है, और अगर आप उसको 15 मिनट बाद धो लेते हो उसको वॉश कर लेते हो तो जो यहां पर जो मॉइस्चराइजर वो आपकी स्किन पर रह जाता है, और प्लस जो मिल्क है वो हट जाता है, और जो उसका मॉइस्चराइजर है वो आपके पिंपल्स रिमूव करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। और बाकी यहाँ पर अगर बात है रोज वाटर की, तो आप रोज वाटर को रात तक लगा के छोड़ सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर मिल्क को आपको रात तक लगा के नहीं छोड़ना।
तो ऐसे जो पिंपल्स है वो अपने दूर कर सकते हो। और अभी यहाँ पर बात आती है, कुछ बंदे ऐसे बोलते हैं ना भाई पिंपल्स हमारी स्किन पर आते रहते हैं और एक खत्म होता है तो फिर एक दोबारा पिंपल्स आ जाते हैं, मतलब हमेशा आते जाते रहते हैं, तो इसके लिए कोई जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो बता दो। तो यार यहाँ पर मैंने वीडियो बना रखी है, यहाँ पर आपको आई बटन पर शो हो जाएगी, यहाँ पर मतलब कहीं पर भी हो वहाँ पर आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। और इस वीडियो में मैंने आपको कुछ टैबलेट बताई है, और ये अगर आप टैबलेट लेते हो तो आपके जो पिंपल्स बार बार आते जाते रहते हैं ना वो काफ़ी खत्म हो जाएंगे। तो आप चाहो तो ये जो वीडियो आप देख सकते हो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। तो आशा करता हूँ आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई है तो अभी से वीडियो लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उस पर टैप करो, और इंस्टाग्राम पे नहीं गए हो तो वहाँ पर आप जाकर दोस्तों अगर भाई की सारी फोटोज जाकर उसको लाइक करके कमेंट कर सकते हो। तो बस हम मिलेंगे ऐसे दूसरे एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।